ये एकदम खीस्तान के लिए बेटर है पतंग। टूर्नामेंट बोलो, चैलेंजिंग गेम बोलो, जो तुम्हारा हाथ का पतंग। मैं तो थोड़ा थोड़ा, मैं ये कॉमर्शियल नहीं है मेरा, मेरा पतंग कॉमर्शियल नहीं है, मैं कॉमर्शियल काम नहीं करते हैं, मैं ये ज़्यादा बेचते भी नहीं है, ये मेरा शौक है। और ये मेरा अपना जो आदमी मेरे को मांगते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा मैं देते हैं इन लोग। ये देखो पूना पतंग है, ये मेरा हाथ का पूना है, ज़्यादा नहीं होता। फिनिशिंग एक बार देख लो सामने से, बहुत बड़ी। अभिजीत पात्र है, ये लोग गया था फैजाबाद टूर्नामेंट के लिए, फ्रेंडली गेम लड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये एक दिन में डबल सत्ता मारा, 1-8 और 1-7, 1-8 जो 8 काटा है ये मंजा से काट लिया है, ये देख लो डबल लच्छी रिंकू खान का, ये 8 काट के कट गया था। और ये जो पतंग है ये मेरा हाथ का पतंग से 8 काटा है, और ये 8 पतंग मेरा पतंग और मेरा मंजे से काटा है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू ब्लॉग में, और मैं हूं आप सभी का रोहित, और आप देख रहे हैं रोहित भांडर यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं टिंकू काइट सेंटर पे, ठीक है, बाली में। इस जैसे कि आप लोग जानते हैं सामने मकर संक्रांति है, सरस्वती पूजा हमारे बाली में और श्रीरामपुर में बहुत पतंगबाजी होता है, बाहर से लोग आते हैं पतंग उड़ाने, और बाहर में तो हरियाणा पंजाब में सब जगह ही मतलब होता है पतंगबाजी। तो मैं आ चुका हूँ टिंकुदा के पास कुछ अपडेट लेके सूता और मांझा के, तो चलिए जान लेते हैं पहले लोकेशन कहाँ पर है और कैसा मांझा है कैसा काइट है। तो चलिए बात कर लेते हैं पैसे टिंकू। तो सामने हमारे टिंकुदा, और पहले एड्रेस जानना चाहूँगा आपसे। मेरा जो एड्रेस है ये बाली बंगो शिशु बालिका विद्यालय, और ये नियर लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो और मेरा नंबर है 8420815546, ये नंबर में कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने से मैं 10 रात 10 बजने तक मैं रिसीव करते हैं, उसका बाद नहीं है, सुबह 8 बजने तक, 8 बजने से रात 10 बजने तक यही मेरा टाइम है। इस टाइम में मेरा दुकान भी खुला रहते हैं, और ये टाइम मेरा दुकान और घर एक ही साथ है, अगर कोई आदमी आएंगे मेरे को कॉल करके चला आना। और अभी मकर संक्रांति आ रहा है इसलिए इन लोग हमारा जो सूती का जो सूता होता है उसमें 8400 और है C28 पांडा, हम लोग सब सूती का मंजा बेचते हैं, सूती का सूता भी बेचते हैं, ये सब मंजा से काम चलाते हैं। और पतंग भी अद्दी है, अभी तो सब टूर्नामेंट चल रहे हैं, चैलेंजिंग गेम चल रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा अद्दी और मंजा भी बर्धमान 1-2-3 यही चल रहा है, C28 पांडा या 84-2 ये हम लोगों का जो जैसा बेचते हैं। मैं फेमस है जहाँ पर इद्रीस अहमद, जो फेमस है इद्रीस अहमद और भी है, उन लोगों का मंजा मैं बेचते हैं, लोगों का मंजा आ जाएंगे। अभी कुछ पतंग और कुछ मंजा दिखाऊंगा जो टूर्नामेंट के लिए होते हैं, वही पतंग मैं दिखा दूंगा अभी। चलिए उस्ताद, सबको मेरा सलाम है, नमस्ते, और भी चलो घर में चलो, मेरा स्टॉक मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं टिंकुदा के घर में, ठीक है। अभी देखो पतंग का बैग सजा दिया, यही पतंग आप लोगों को दिखाएंगे टूर्नामेंट क्वालिटी का, ठीक है। अभी वो सीजन वाला नहीं दिखाएंगे, अभी टूर्नामेंट क्वालिटी देख लो, कुछ दिन बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आपको दिखा दूंगा सीजन वाला पतंग, ठीक है। तो आज कहाँ से शुरू करेंगे टिंकुदा, एक बार दिखा दो हम लोगों को क्या क्या पतंग दिखाने वाले हो आज। हाँ नमस्ते, मेरा नाम टिंकू है, मेरा दुकान का नाम भी टिंकू है, ठीक है। और आज मैंने दिखाऊंगा कुछ मुरादाबाद से, मैं मेरा दोस्त से कुछ स्पेशल पतंग बना के लेके आया है, वो भी है और भी कुछ अलग अलग पतंग है, वो भी दिखाऊंगा। और पहले जो वीडियो था उसमें तो बहुत कुछ दिखाया था मिरुट फिरुट का, अभी वो स्टॉक सेस हो गया, अभी जो दिखा रहा है मैं, मेरा पास ये स्टॉक है, मंजे भी अभी चालू हो गया आने के लिए थोड़ा थोड़ा, और अभी जो आ रहा है वो सब भी हाई क्वालिटी का है, जो टूर्नामेंट लड़ते हैं, जो चैलेंजिंग गेम लड़ते हैं, इन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल मंजा बना के लेके आया है। और इसको वीडियो भी मैंने कलकत्ता एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन, मीडिया प्रूज एसोसिएशन, ये सब जो ग्रुप है उसमें दिया है, जहाँ पर मेरा मंजा हो रहा है वही कारीगर क्या मिला रहा है, कैसे मंजा कर रहे हैं, अपना हाथ से कैसे कर रहे हैं,
और क्या क्या मिला रहा है, ये सब वीडियो मैंने दे दिया। और मान जा मेरा पास कुछ कुछ करके आ रहा है, वो मैंने दिखाऊंगा आज। और अगले दिन जो आ रहा है तो मकर संक्रांति, उन लोगों के लिए जो मंजा, वो थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, कुछ दिन बाद मिल जाएगा। और छोटा पतंग जो 28 है, 27 है, वो भी आ जाएंगे, कुछ दिन बाद आएंगे। तो अभी मैं दिखा रहा है जो पतंग, वो देख लीजिए, देखिए ये सब बाहर का दिए, ये सब मुरादाबाद का। ये कमान थड्डा जो है ये कलकत्ता का है, मैंने भेजा था। और ये पतंग देखो पूरा लंबी छाट का, ऊपर में गोल, और थोड़ा भारी पतंग है, थोड़ा दूर के लिए। कोई आदमी कुछ कुछ आदमी जो भारी पतंग लड़ाते हैं, इन लोगों के लिए ये पतंग मैंने बना के लेके आया है। और इसका रंग भी अलग, ज़्यादा रंग नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा रंग है, लेकिन पतंग बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देख लीजिए ये पतंग मेरा, हाँ ये है, ये लॉन्ग रेंज के लिए है। हाँ ये थोड़ा दूर में जाएगा, 600 500 600 जो लड़ेगा, 600 700 ऐसा रेंज का पतंग है ये। और ये भी है, तो ये कलर का है, देखो टूर्नामेंट में ज़्यादा कलर नहीं चलते हैं, इसलिए एक कलर पतंग बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ ये देख लीजिए, हाँ टूर्नामेंट तो एक कलर का ही चलता है, ज़्यादा ज़्यादा रंग नहीं चलते हैं, अगर फट जाएगा तो कैच चला जाएगा, हाँ गेम का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये पतंग सिर्फ एक ही कलर है, एक ही पेपर भी है, देखो एक ही पेपर, और रेडी है ये पतंग। कोई आदमी अगर ये पतंग पसंद करेगा तो मेरा साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, और थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएगा। हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिल, तो ऐसा नहीं है क्वालिटी, ये कम कम मिलते हैं, हमको भी कम कम मिलते हैं, तुम लोगों को भी कम कम मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, एकदम रेडी, एकदम रेडी है, रेडी टू फ्लाई। हाँ रेडी टू फ्लाई, अभी लड़ जाएगा, सिर्फ लड़ाने का अपेक्षा में रह गया, ठीक है। तो हमारा बाली में हर साल पैच चलते हैं, सबको मालूम है, तो हम इसीलिए इन लोगों के लिए भी और बाहर के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा स्टॉक किया है, हाँ। और मेरा पास और एक थोड़ा पतंग दिखाऊंगा आप लोगों को, ये सब सीजन किया हुआ है पतंग। हाँ ये पतंग देख लीजिए, ये चीता है, डबल ए अजीम है, इधर ज़्यादा नहीं आते हैं, ये दिल्ली साइड में जाते हैं, ये मुरादाबाद का पतंग है, और ये इधर में ज़्यादा नहीं आते हैं। ये पतंग देख लीजिए, एक नंबर, एकदम फोटो की तरफ, तस्वीर की तरफ देखो, फिनिशिंग इसका फिनिशिंग तस्वीर की तरफ, ये हाई स्पीड पतंग है, देख लो इसका फरमा भी ऐसा ही है, हाई स्पीड अजीम का पतंग है, ये एक नंबर पतंग है। थोड़ा एकदम अभी जो 6 7 8 जो हवा चल रहा है, तो वो हवा का ये एक नंबर एक्यूरेट है, देख लीजिए ये पतंग अच्छा पतंग है, एक नंबर है, ठीक है। तो सभी ऐसे भी है अंदर, हाँ सब देखो जो है सब एक कलर है, देख लीजिए सब एक कलर, टूर्नामेंट का पतंग है ना, ज़्यादा कलर करेंगे अगर फट जाएगा तो पॉइंट चल जाएगा ना, ये एकदम खीस्तान के लिए बेटर है पतंग, टूर्नामेंट बोलो चैलेंजिंग गेम बोलो, इसलिए ये पतंग कलर एक ही है, लेकिन इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। और हाँ रोहित मेरे को बार बार बोला था जो तुम्हारा हाथ का पतंग, मैं तो थोड़ा थोड़ा, मैं ये कॉमर्शियल नहीं है, मेरा पतंग कॉमर्शियल नहीं है, मैं कॉमर्शियल काम नहीं करते हैं, मैं ये ज़्यादा बेचते भी नहीं है, ये मेरा शौक है, और ये मेरा अपना जो आदमी मेरे को मांगते हैं
उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा मैं देते हैं इन लोग, ये देखो पूना पतंग है, ये मेरा हाथ का पूना है, ज्यादा नहीं होता। फिनिशिंग एक बार देख लो सामने से, बहुत बढ़िया है। दो तीन, ये देखो चार करके, कभी कभी जब शौक आते हैं तब बनाते हैं। नाइस नाइस वर्क। अच्छा ये मेरा फेवरेट पतंग है, मोर पंखी। ये भी चिलकाट है, चिलकाट के ऊपर है, ये चिलकाट का ऊपर, ऐसा पौने के ऊपर, पौनी का है, ठीक है, इसमें सब पौनी है। देखो मेरा फेवरेट पतंग निकाल दिया अभी, जो आप लोग मांगदार बोलते हो और हम लोग बंगाली में मोर पंखी बोलते हैं। हाँ ये मो, एक मिनट बंद कर, दो जने भेजी दी। ये इतना सूरत माने इतना अच्छा कलर है ना, ये मेरा बहुत बढ़िया लगते हैं दोनों ही कलर एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया लगते हैं। देखो ये तो मेरा फेवरेट कलर भी है, ग्रीन, और काम किया हुआ है। देखो ये जोर का ऊपर में कोरी घुटा हुआ है, ये अजंता के ऊपर बना है ना। हाँ ये खातिमा का ही है। अच्छा खातिमा, अच्छा क्वालिटी का है। अच्छा ये अलग है, थोड़ा स्पेशल का पेपर है। हाँ ऐसा नहीं है, अजंता नहीं है इसमें। अजंता देखो, अजंता और खातिमा का बारे में मैं यही कहूँगा, जो कारीगर काम करना जानते हैं वो सबसे अच्छा बना देंगे, वो चाहे तो अजंता हो चाहे खातिमा हो। जो कारीगरी जानते हैं वो सबसे अच्छा काम कर सकते। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया पतंग दिखा रहे हैं आज। ये आप लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, बार बार बोल दे रहा हूँ। नहीं है ये, ऐसा करके बेचूंगा नहीं। ये देखो गोल फर्मा, गोल फर्मा। और आप लोग कमेंट करके बताओ आपके टिंकुदा का हाथ का घोड़ी बनते हुए देखना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में यही डालूंगा कि टिंकुदा अपने हाथ से एक पतंग बना के दिखाएंगे और वो आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो ये गोल पतंग है, सब पोनी का है। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन देखना चाहते हैं। ये कमानी बहुत पुराना है, ये कमान बहुत पुराना है, ये सब लंबी और ये सब है मेरा है, ये डबल गीठा वाला है। देखो इसमें यहीं पर का, यहीं पर और यहीं पर डबल गीठा वाला। देखो ये देखो यहाँ पर एक गीट है सामने से दिखा रहा हूँ, और ये देखो यहाँ पर एक है, बहुत बढ़िया। और मैं अभी पतंग दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये पोनी है। अच्छा अभी अद्धी कुछ देख लेते हैं। अद्धी है चील काट का, चील काट फर्मा, ये मेरा हाथ का ही है, ये मेरा हाथ का है। अभी सब जारा में यही पतंग ज्यादा मांगते हैं। देखो अच्छा अद्धी का स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपके पास? अरे मैंने पहले ही बोल दिया मैं कॉमर्शियल नहीं है, ये मेरा हाथ का पतंग का वैसा मत करो, किसी को मैं अगर प्यार से दे दूंगा कोई अलग है। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेट के बारे में मत बोलो, ये मेरा अपना शौक है बनाना, ठीक है। तुमने देखो तो ये आप लोगों को ये गोल फर्मा ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, एक दो तीन चार जो भी हो, वही बात है। हाँ। मैं शौक से बनाते हैं, आप लोगों को मोहब्बत से दूंगा, आप आइए। क्योंकि लोग बार बार कॉमेंट करते हैं प्राइस बोलो, प्राइस क्यों नहीं बताया। ऐसा नहीं है, ये मैं कमर्शियल नहीं है। ये देखो ये अजंता का काम है, ये पेपर अजंता है 4.7 गोल फर्मा का, लॉन्ग रेंज का पतंग है। ये जो मैंने दिखा रहा है ना, ये सब लॉन्ग रेंज का है, लॉन्ग रेंज पतंग। ये आदि है और ये भी आदि है, काट चील काट है। और ये मैंने दिखा देंगे, देखो सब गोल फर्मा है। देखो बढ़िया, एकदम बढ़िया, ये सब सीजन किया हुआ पतंग है, सीजन किया हुआ ये पतंग।
ये देखो और एक पसंदीदा डिज़ाइन निकल गया है, मांगदार। और पिछला जो काइट दिखाया वो सब पौना था, अभी ये अद्दी का कलेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो गाइज अभी आप लोग देख चुके हैं पतंग जो कि अद्दी और पोनी में था। तो अभी एक दो मंजा दिखा देते हैं जो टूर्नामेंट क्वालिटी है, बट बेस्ट, एकदम बेस्ट क्वालिटी आप लोगों को दिखाते हैं। सामने ही दोनों रखा हुआ है, तो दिखा दो पहले कौन सा दिखाओगे। ठीक है, मैं पहले मेरा जो मैं जो मानता है जिसको मैं इद्रीस भाई को मानते हैं, इससे लेके मैंने इतना दिन चलाया, इतना रास्ता मैंने क्रॉस किया है इद्रीस भाई के लेके, और ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा भगवान का रूप है। ठीक है, तो मैं जो दिखा रहा है ये रईस अहमद का एक मंजा, ये 926 सबका ऊपर में ब्लॉक जो बोल रहा है उसका ऊपर अभी आ गया, सुपर पावर आ गया, उसी का भी ऊपर में रईस भाई ने मेरे को दो चरखा, जब अगले साल जब हुआ था ये मंजा फास्ट हुआ नवंबर महीने से, वो नवंबर महीने से दो मंजा मेरे को बना के दिया था, उसमें एक ठो मंजा मेरा पास, मेरा जो हम जो टूर्नामेंट में जब नाम देते हैं हमारा जो छोटा छोटा लड़का है उन लोग जो लड़ाते हैं उन लोगों के लिए मैं रख दिया है ये मंजा। और अगर कोई किसी का ये मंजा चाहिए तो टाइम लग जाएगा, इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तब ये बना के देंगे इद्रीस भाई ने, तब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहूँगा जो मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मंजा मिलने से थोड़ा वक्त लग दे है, थोड़ा टाइम लग दे है, और अगर टाइम देना है तब ठीक मिल जाएगा। देखिए ये मंजा देखो, इद्रीस अहमद रईस भैया ये मंजा मेरे लिए बना के दिया। ये पूरा बर्धमान ये चैलेंजिंग गेम और टूर्नामेंट के लिए होते हैं, टूर्नामेंट का जब फाइनल लड़ेगा, जब सेमीफाइनल लड़ेगा उस टाइम ये यूज़ करना चाहिए। ये मंजा जल्दी जल्दी मिलता भी नहीं है ऐसा, ये मंजा पूरा अलग है, अभी पूरा बैठ गया मंजा, ये मंजा रेडी हो गया, अभी 5-6 महीना हो गया ये मंजा, 5-6 महीना बाद मैं दिखा रहा है आपको, सीजन हुआ है, पूरा सीजन हो गया ये मंजा। ठीक है, और एक मंजा मैं दिखाऊंगा, ये अभी एक दिन पहले आया है, ये जाकिर भाई ने मेरे को दिया है, उसका लड़का साकिर भाई ने ये मंजा बनाया अपना हाथ से, और ये डायमंड डस्ट मिला के बनाया, ये स्पेशल कुछ कांच शीशा जो बोलूँगा मैंने, कुछ स्पेशल शीशा कुछ स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, ये सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ये मंजा है। देख लीजिए ये मंजा भी कम आते हैं, ज़्यादा नहीं है, जब किसी का ज़रूरत है तो मेरे को बोलना चाहिए और मैं ऑर्डर लेके उनसे बात करके तब आपको टाइम दूंगा कि कब ये मंजा मिलेगा। ऐसा नहीं है ये अलादीन का तरफ आज बोलेगा और आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मंजा एक बार देख लो, चमक ही अलग है। ये ओरिजिनली डायमंड डस्ट मिला के है ये मंजा, हर टाइम नहीं बनते भी है। ठीक है, ये सिर्फ डायमंड डस्ट नहीं है, इसमें लच्छी वाला देख लीजिए, ये धुआ लच्छी सूता है, पहले देख लीजिए ये धुआ लच्छी सूता है, देखिए जो मंजा बहुत टाइम लगते हैं, कम मिलते हैं, कम बनाते भी है। ठीक है, ये भी एक नंबर जाकिर भाई से और साकिर भाई से मेरा बहुत मोहब्बत है, एकदम कांटेदार है, एकदम कांटेदार है उसका, उन लोगों से मेरा बहुत मोहब्बत है, लच्छी मेरे लिए कुछ स्पेशल लच्छी बना के दिया। देख लीजिए ये मंजा, दुकान में बहुत मंजा मिल जाएगा वही कोई बात नहीं है, लेकिन ये मंजा जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, क्वालिटी अलग है, मिलेगा नहीं, यही नहीं कहूँगा मैं, कह रहा हूँ इसको टाइम देने पड़ेगा, यही कहूँगा ये माल ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा ही कॉल करके बोलेंगे जो भाई ये मंजा बना दो, मैं बोलूँगा हाँ बना दूँगा, लेकिन उनसे बात करके टाइम लेके तब बना देंगे। और ये भीड़ चक्रो इसका लेबल दिया है, ये मंजा को तो सबको मालूम है, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसको जो मेटेरियल दिया पूरा अलग है, स्पेशल कुछ है। ठीक है, और मैं टिंकू भाई आप लोगों को सबको मेरा नमस्ते,
सबको सलाम। मैं एक छोटा दुकानदार है और मैं क्या कहूँगा आप लोगों के लिए, यही कहूँगा जो भाई तुम एक बार मेरा दुकान में आओ, आके देख के जाओ कैसा माल मैं बेच रहा हूँ, और थोड़ा दो चार पीस सैंपल की तरफ लेके जाओ, पतंग हो और मांझे हो एक आध चरखा लेके जाओ। ज़्यादा रेट वाला नहीं चाहिए, थोड़ा कम रेंज में माल मिल जाएगा, वही मंजिल लेके देखो। अगर विश्वास होगा, अगर मेरा साथ अगर विश्वास आ जाएगा तब आना और अच्छा मंजा फिर से भी लेके जाना। नमस्ते, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था थोड़ा सा यहीं पर ख़त्म करता हूँ पतंग और मंजा का, और एक अपडेट देना है इसी वीडियो में, तो वो हम बाहर चल के बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी जो सामने देख रहे हो टिंकुदा कुछ बताने वाला है, ठीक है। तो पहले मन से सुन लो क्या बोल रहे हैं और मिस मत करना इस जगह को, ठीक है। तो टिंकुदा अपडेट को दे दो जो जिसके लिए आज हम लोग आए थे। आज हम लोग जो आए हैं इधर, सो हम लोग बाली के लिए एक बहुत खुशी का खबर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो ये जो छोटा भाई है, इसका नाम हम लोग सब पोलू बोल के डाकते हैं, पोलू बोल के बुलाते हैं, और इसका जो पूरा नाम है बोलो तुम, अभिजीत पात्र है। ये लोग गया था फैजाबाद टूर्नामेंट के लिए फ्रेंडली गेम लड़ाने के लिए, ठीक है। तो बाहर में तो सब बड़ा बड़ा प्लेयर है, उधर सब बड़ा बड़ा खिलाड़ी भी है, हमारा ये छोटा प्लेयर छोटा बच्चा लोग उधर जाके अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए हमारा बहुत खुशी मिला है हम लोगों का इधर बाली का सबको प्लेयर के लिए हम बहुत खुशी है। और ये कह रहा हूँ ये एक दिन में डबल सत्ता मारा, 1-8 और 1-7, 1-8 काटा है, उसका बाद इस कट गया है वो पतंग कट गया है, और 1-7 मारा है वो भी कट गया है। वो तो ये बात कोई छोटा नहीं है हम लोगों का लिए, ये हम लोग बाली में रहते हैं, हम लोगों का कोई ट्रेनर नहीं है, लेकिन ये लोग अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया है, जो आर्ट काटा है ये मंजा से काट लिया है, ये देख लो डबल लच्छी रिंकू खान का, ये मेरा पास 2-3 साल पहले का था, और ये आर्ट काट के कट गया था, और ये जो पतंग है ये मेरा हाथ का पतंग से एक आर्ट काटा है, और एक तो 7 काटा है वो भी कट गया है, और वो मंजा अलग था और वो पतंग भी अलग था, ये 8 पतंग मेरा पतंग और मेरा मंजे से काटा है। तो यही खुशी में मैं ये अभिजीत को कुछ पतंग वो फिर भी जाएंगे, कब जाएंगे, फेब्रुअरी में जाएंगे लखनऊ, तो लखनऊ जाने के लिए मैं कुछ पतंग इनको गिफ्ट कर रहा है, ये पूना पतंग देख लो, थैंक यू। हाँ, ये पतंग मैंने दिया है उससे, फिर ऐसे ही परफॉर्मेंस मिलना चाहिए हम लोगों का, ये एक तो खुशी का बात है। हाँ, ये देख लो, ये पतंग मैं गिफ्ट कर रहा हूँ उनको, ये सब पौनी है, सब पौनी के ऊपर है, जो अभी वीडियो में दिखाए वही पतंग है, सब पौनी में है, और ये खुद का हाथ से बना हुआ है टिंगुदा का, मेरा हाथ का पतंग है ये सब, और मैं कुछ आदि भी उनको गिफ्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये गोल फर्मा का आदि बहुत पसंद करते हैं, देख लीजिए, ये गोल फर्मा पतंग मैं कुछ बना के रखा था उनको गिफ्ट करने के लिए, तो भाई लोग ये मेरा वीडियो अभी आज ख़त्म हो रहा है, नमस्ते। और आप लोग ऐसा तरफ परफॉर्मेंस आप लोग भी करिए, हम लोगों का वेस्ट बंगाल कलकत्ता में सबको खुशी मिलेगा, और क्या है ये बोल के मैं वीडियो ख़त्म कर रहा है, नमस्ते। हाँ गाइस, आज का अपडेट यही था, ठीक है। तो सामने सीज़न आ रहा है मकर संक्रांति, उसके लिए भी कुछ पतंग आप लोगों को दिखाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है, उसके लिए आप वेट करो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।